सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भारी बर्फबारी के साथ ही कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर भी बर्फबारी हुई है। आपको वहां की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, श्री माता वैष्णो देवी में किस तरह से बर्फबारी हुई है और मौसम का फिलहाल कैसा मिजाज है उसकी तस्वीरें। तो पहली बर्फबारी वहां पर श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर, और वहां पर भी जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो लगातार बढ़ती जाती है और नए साल पर हमने देखा कि कई रिकॉर्ड्स टूटे। तो श्री माता वैष्णो देवी भवन पर बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी जिसका असर सड़क यातायात से लेकर पर्यटकों तक भी पड़ा है। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मिचवा न्यूज़ पर, श्री माता वैष्णो देवी भवन पर बर्फबारी हुई है और वहाँ का जो नज़ारा है किस तरह का है आप देख सकते हैं। बर्फ की चादर यहाँ पर भी नजर आ रही है। नए साल पर माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है और इस साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे और अब बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमरनदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचवा न्यूज़ पर। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी। सर, सर नए साल पर इस बार बर्फबारी का भी नजारा जो है देखने को मिल रहा है भवन पर, श्रद्धालु जो है काफी आनंद ले रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि नए साल पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा होता है और इस बार रिकॉर्ड जो है वो टूटे हैं। फिलहाल क्या वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह से बर्फबारी हुई है? हाँ जी, आज जैसा कि पहले से ही हमें मौसम विभाग की तरफ से, एमएचए की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से अलर्ट था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्टेट को हिट करेंगी सैटरडे और संडे को जी। तो आज उसका पीक था और बिल्कुल एज पर द प्रेडिक्शन सुबह से स्नोफॉल शुरू हो गई और लगभग चार चार पांच पांच इंच जो है वो बर्फ पड़ी है। सांझी छत का हमारा हेलीपैड कवर्ड है पूरी तरह, जिस कारण हमें हेली सर्विसेज रोकनी पड़ी है। कुछ समय के लिए हमें केबल कार की सर्विसेज भी रोकनी पड़ी है क्योंकि जो वो पूरा केबल कार एरिया है वो भी बर्फ से कवर्ड हो गया है, जिसके कारण यात्रियों को चलने में दिक्कत आएगी। हमने अपने जो टीम है उनको हमने स्नो क्लियरेंस पे लगाया है, लेकिन यात्री इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। जो यात्री भवन में थे, सांझी छत थे या अर्धकुंवारी के ऊपर थे, उनको इसका नजारा देखने को मिला है जी। सिमरनदीप सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नए साल के मौके पर एक और श्रद्धालुओं को भेंट जो है वो मिली है, रोपवे की शुरुआत हुई लेकिन अभी बर्फबारी हुई है, इसका किस तरह का असर पड़ता है और क्या तैयारियां हैं श्राइन बोर्ड की? देखिए, जहां तक आप रोपवे के असर की बात कर रहे हैं, उस पे रोपवे जो है वो बर्फ के दौरान भी चल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रोपवे का अप्रोच एरिया है वो अगर थोड़ा कवर हो जाए, जो यात्रियों के चलने का एरिया है, उससे दिक्कत आती है, जिस कारण हम उसको क्लियरेंस के बाद ही यात्रियों को भेज सकते हैं। तो ये टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज होगा, लेकिन तैयारियों की जहां तक बात है तो इस सीजन में हमारे पास जो यात्रा लगभग 20-25 हजार रहती है, आज वीकेंड करके थोड़ी यात्रा ज्यादा थी, लेकिन भवन में पूरे इंतजाम रहते हैं, हीटिंग के इंतजाम रहते हैं, कंबल रहते हैं, उनके इंतजाम रहते हैं, और आने वाले समय में हम और भी एकोमोडेशन को बनाने जा रहे हैं जिससे कि यात्राएं और सफल और सुखद होंगी। सर, नए साल पर इस बार काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो टूट गए, अभी वहां पर किस तरह से भीड़ है? देखिए, आज जैसा आपने कहा कि नए साल लगभग 18 जो खत्म हुआ हमारा, 31 को हमारी 86 लाख के करीब यात्रा थी जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा थी, और इस साल का जो पहला हफ्ता लगभग हम आज पूरा होने को आ रहा है तो हमारी यात्रा लगभग 50 हजार हो चुकी है, 50 से 55 हजार हो चुकी है इन 5 दिनों में। और यात्री जनरली जो है जनवरी में जो है एग्जाम्स और ठंड करके यात्रा इतनी पीक पे नहीं रहती है, लेकिन जब स्नोफॉल और ऐसी चीजों का अनुमान हो तो उस नजारे को देखने के लिए यात्री आते हैं। ज्यादातर लोकल यात्री जो जम्मू पंजाब और हरियाणा से जो शॉर्ट नोटिस पे रश कर सकते हैं चंडीगढ़ से, यात्री आते हैं और उसका नजारा लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है
कुछ ऐसे यात्री हैं जो स्नोफॉल देखना चाहते हैं माँ के दरबार में, तो वो काफी एक्साइटेड रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरनदीप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरह के इंतज़ाम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए करती है, उससे जो है उनके सभी जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। और अभी वहां पर बर्फबारी हो रही है, उससे भी जो यात्रा है उसके बढ़ने का अनुमान है। नए साल पर पिछले 5 साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूटे हैं और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दरबार में पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद भी उनको मिल रहा है और श्राइन बोर्ड के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता हैं वहां पर और किसी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को होने नहीं दी जा रही है।